नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आरपीएससी एम 2018 का बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करवाए थे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे थे। इसी तरीके से आरपीएससी एएन मेंस 2018 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस आपके अवेलेबल करवाते रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले बेहतरीन वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आता है वो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आपसे बात करेंगे आरपीएससी एएन 2018 कि 100% एक्यूरेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये है विद प्रूफ, हम आपको बताएंगे कि कैसे इतनी कट ऑफ हम बता रहे हैं विद प्रूफ। विदाउट प्रूफ हम कुछ भी नहीं काम करेंगे, विद एनालिसिस है, फुल एनालिसिस है, एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे आपको ताकि आपको कोई भी गलती ना हो। आपकी कई सारे डाउट्स थे, जैसे कि कई सारे मेरे पास में कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे गर्ल्स की कट ऑफ बता दीजिए, कि सर हमने ST गर्ल्स की बता दीजिए, OBC गर्ल्स की बता दीजिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी स्टडी माई वे चैनल पे, जिसमें मैंने जनरल OBC एंड ST SC की कट ऑफ बताई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने गर्ल्स की कट ऑफ नहीं बताई थी। इसीलिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे उसके अंदर, सर गर्ल्स की स्पेशली एक वीडियो बना दीजिए जिसमें गर्ल्स की कट ऑफ भी बता दीजिए। तो इसके अंदर मैं साथ साथ में बॉयज़ साथ साथ में गर्ल्स की भी कट ऑफ बताता जाऊँगा आपको। और उसमें काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे को कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कितने नंबर से ऊपर हमारे को अभी से कोचिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या पढ़ाई स्टार्ट कर दें मेंस के लिए या नहीं करें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो वो सारी डाउट्स जो आपके थे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको मेरे कॉमेंट्स के बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको कंसिडर कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरपीएससी एएन 2018 की 100% एक्सपेक्टेड एक्यूरेट कट ऑफ विद प्रूफ। तो हमने कुछ दिन पहले एक वोटिंग करवाई थी जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही थी, हेल्पफुल रही थी, ताकि आप एक दूसरे में, इसमें मैंने बताया था, इसमें कुछ लिखा था हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर इन आरपीएससी 2018 फॉर सिविल इंजीनियरिंग इन कंबाइन बोथ पेपर, यानी पेपर GK प्लस सिविल इंजीनियरिंग दोनों के कंबाइन करके आफ्टर कंसिडरिंग नेगेटिव मार्क्स, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उनसे रिगार्डिंग हमने वोटिंग करवाई थी, जिसमें 700 प्लस वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 700 प्लस ने इसमें नंबर्स बताए हैं अपने अपने इसमें से कई। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें से आपको देखने को मिल सकता है कि क्या ग्राफ बन रहा है, क्या पैटर्न रह रहा है स्टूडेंट्स का नंबर्स के मामले में। तो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कि कुछ एक आपको पीक देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो 775 से लेकर के 125 की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 37% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 175 मार्क्स से लेकर के 125 मार्क्स के बीच में है, और 8% ऐसे स्टूडेंट भी है जो आपको लेस देन 75% मार्क्स के मिल जाएंगे, और 7% ऐसे स्टूडेंट है जिनके मोर देन 200 मार्क्स हैं, और 19% ऐसे स्टूडेंट है जिनके 150 से 200 मार्क्स हैं, और 25% ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे आपको जिनके 125 से लेकर के 500 के मार्क्स के बीच में है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपका पीक जो है एवरेज स्टूडेंट का वो कौन से में है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज स्टूडेंट जो बिलोंग कर रहे हैं वो 75 से लेकर के 125 मार्क्स के बीच में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सोच चुका है कि हमारे मार्क्स तो 75 से भी कम हैं, बहुत कम हैं, हमारा होगा भी नहीं सिलेक्शन। इसलिए उन्होंने, मतलब जैसे आप भी सोच सकते हैं कि जब आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी हालत में, तो आप फिर उसमें देखना ही बंद कर देते हैं, आप पार्टिसिपेट ही नहीं किए होंगे। ऐसे 10% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके बहुत कम मार्क्स बन रहे होंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। तो 10% तो ये मिला लिए जाएं, और 8% ये मिला लिए जाएं, तो ये हो गए 18%। उसके बाद में अगर मैं ये 37% स्टूडेंट में मिला लूँ तो ये टोटल हो जाते हैं 55 के आसपास हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि आपको पता है कि 26,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 13,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स को प्री के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। तो आप अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ये दोनों रेंज अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो अप्रॉक्स 26,000 में से 13,000 को अगर हर दो में से, अगर मैं इससे बात निकालता हूँ फाइनल, तो हर दो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को प्री के लिए, मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा और प्री में पास कर दिया जाएगा, यानी कि हर दो में से एक को, यानी 50% स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। तो देखिए आपका 50% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 50% किसके किस कैटेगरी से नीचे हैं,
इस कैटेगरी से अगर ऊपर की इस नीचे की बात करता हूँ तो 50% स्टूडेंट्स आ जाते हैं। 37 + 8 कितने हो गए फ्रेंड्स, ये हो गए 37 + 8 आपके हो जाता है 45%। और अप्रॉक्स मान के चलिए 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, इसी कैटेगरी में आते होंगे। तो डेफिनेटली 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 125 मार्क्स से कम कैटेगरी में आते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा हर कैटेगरी यानी जनरल की अपनी अलग कट ऑफ जाएगी, एसटी की अपनी अलग कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की अपनी अलग कट ऑफ जाएगी। इस रिगार्डिंग के बिहाफ पे अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो कहाँ पर जा सकती है। आपको देखने को मिलेगा कि जनरल की कट ऑफ हमेशा 125 से 150 मार्क्स के बीच में ही जाएगी। ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए आप, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती किसी हालत में, जनरल की कट ऑफ 150 से ऊपर नहीं जा सकती। और अगर मैं कम की बात करता हूँ तो अगर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बिलोंग कर रहे होंगे जो 110 मार्क्स के आसपास होंगे, तो मेरा मानना ये है कि जिसके 100 मार्क्स से लेकर के 130 मार्क्स या फिर मैक्सिमम अगर बात करते हैं तो 150 मार्क्स मैक्सिमम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में बात कर रहा हूँ तो 150। नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ तो 100 मार्क्स से लेकर के 130 मार्क्स के बीच में ही डेफिनेटली कट ऑफ जाएगी जनरल कैंडिडेट्स की। और अब मैं बात करता हूँ जनरल गर्ल्स की, तो जनरल गर्ल्स में आप 10-10 मार्क्स कम मान लीजिए, यानी कि 9 अप्रॉक्स 80 मार्क्स मान लीजिए, 80 मार्क्स से लेकर के 110 के बीच में, 110 मार्क्स के बीच में जनरल गर्ल्स की कट ऑफ चली जाएगी। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी में। अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में ज़्यादा फ़र्क देखने को अपन को नहीं मिलता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको देखने को मिलेगा जनरल, अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ तो 190 मार्क्स से लेकर के 130 मार्क्स मैक्सिमम, ओके 130 मार्क्स मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ तो 90 मार्क्स से लेकर के 120 मार्क्स के बीच में ही कट ऑफ डेफिनेटली जाएगी, ओके ओबीसी कैटेगरी में बॉयज़ की। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स की सीट्स काफ़ी हैं ओबीसी के अंदर, तो डेफिनेटली 75 मार्क्स से लेकर के 90 मार्क्स मैक्सिमम ये गर्ल्स की कट ऑफ जाने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँ अगर एसटी की, क्योंकि एसटी एक ऐसी जनजाति है जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया की सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति के अंदर आती है, मोस्ट एजुकेटेड जो जनजाति है वो है एसटी। ओके, तो उसके अंदर भी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा राजस्थान में भी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी कट ऑफ भी कुछ खास ओबीसी से ज़्यादा नीचे जाने वाली नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी भी यही रहेगा 85 मिनिमम, कम से कम अगर गई तो 85 जाएगी, और अगर मैक्सिमम गई तो 120 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं मैक्सिमम कंडीशन में, मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो 120, और अगर आप मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 85। ये मिनिमम मार्क्स आप उस कंडीशन में मान के चल सकते हैं, इससे जिनके कम हैं वो थोड़ी होप ना ही लगाएं तो बेटर रहेगा। वो आप अभी मतलब कि जिनके मिनिमम मार्क्स से कम हैं तो अभी आप कोचिंग को बिल्कुल प्रिफर मत करिएगा, अभी आप सेल्फ़ स्टडी कर लीजिएगा, डेफिनेटली सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा, इस एग्ज़ाम में ना सही किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपके काम जरूर आएगी। और मेरा मानना है कि आप अपनी उम्मीद अपने आप पे बनाए रखिए, अपने पे आप पे भरोसा बनाए रखिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और आप मेंस में बैठ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ में अगर मैं एससी की बात करता हूँ तो एससी की ऐसी बात है कि एससी के अंदर जो एप्लीकेशन जो आए थे वो 31,000 थे, तो अप्रॉक्स अपन मान के चल सकते हैं 31,100 थे, सॉरी 31,000 नहीं 31,100 थे। और अगर एग्ज़ाम कितनों ने दिया होगा तो इसकी बात करते हैं तो 2600 ने एग्ज़ाम दिया होगा, इसमें से जो पास हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे 1300। डेफिनेटली जो 2600 है ये ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, इनमें से 1000 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं आए होंगे, बिल्कुल पढ़ के भी नहीं आए होंगे, क्योंकि आप जान सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा शिक्षित जनजाति नहीं आती है एससी के अंदर, अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये मान के चल सकते हैं अपन पिछली बार जहाँ 0 मार्क्स गई थी, तो इस बार मेरा होप है कि मिनिमम 50, इससे कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में, 50 मार्क्स से लेकर के मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम 80 मार्क्स, 50 से लेकर के 80 मार्क्स के बीच में इसकी मतलब के कट ऑफ जा सकती है। और अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो या तो 0 जाएगी, नहीं तो कोई 30 से 50 मार्क्स के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है गर्ल्स की। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा एग्जैक्ट एनालिसिस है आपके साथ में, प्रूफ के साथ में मैंने डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किया है, आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं इसके अंदर कि कौन से मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं
जो रेंज में आते हैं वो आ रहे हैं 700 एंड 125 के बीच में। तो जिनके भी 150 से ऊपर हैं और वो सोच रहे हैं, जिन्होंने पहली बात तो जो भी मेरे से ये पूछ रहे थे सर हम कोचिंग के लिए करने जाएं कि नहीं जाएं, हम गंगानगर से हैं या बीकानेर से हैं, हम जोधपुर से हैं, हमारे आसपास इतनी अच्छी कोचिंग नहीं है, हम जयपुर जाएं या नहीं जाएं, आप हमारे को सजेस्ट कीजिए, तो मेरा मानना यह है कि आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि कोचिंग वाले आपको लूटेंगे और कुछ नहीं है, मेरा मानो तो कोचिंग में ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोचिंग का मैं बताता हूँ, आपको तीन सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है आपकी हिंदी, एक है आपकी सोशल एस्पेक्ट्स, और एक है आपकी इंजीनियरिंग जिसमें आप सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तीनों आ सकते हैं। ओके, हिंदी की बात करते हैं तो आपको पता है गेट की जब कोचिंग होती है तो उसके अंदर इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश की वो 5 डेज के अंदर इंग्लिश पूरी कंप्लीट करवा देते हैं, तो हिंदी भी डेफिनेटली वो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट करवाएंगे। उनको सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवाने से मतलब होता है, उनको इससे मतलब नहीं होता कि आपको कितना समझ में आया। ओके, ये तो आप भी जानते हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि आपको कितना समझ में आया, उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। वो आपको कट ऑफ है ना हमेशा बताएंगे कि कट ऑफ तो जनरल की जाएगी 90 मार्क्स, आप अभी से ही एडमिशन ले लीजिए। और मेरा मानना है कि जिसके भी 100 नंबर से कम है वो एक बार कोचिंग ना करिए, सेल्फ स्टडी मैं प्रीफर करता हूँ आपको, क्योंकि आपकी अगर जो 25-30 हज़ार आपके लिए भी मायने रखते हैं, सब स्टूडेंट के लिए मायने रखते हैं, जैसे मेरे लिए कोई अगर मायने रखते हैं 25 हज़ार, तो डेफिनेटली आपके लिए भी 25 हज़ार मायने रखते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 25 हज़ार आप वेस्ट ना करिए। और मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि आपने प्री में अगर किसी ने कोचिंग करी होगी तो वो जानता होगा, उसने अगर GS पढ़ी है प्री के अंदर तो उसमें से कितने मार्क्स आपको पेपर के अंदर देखने, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपको कोचिंग में से देखने को मिले हैं। डेफिनेटली जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहे थे वो बायस्ड नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके थे, तो उनके 70 से 100 मार्क्स तक डेफिनेटली इजीली स्कोर किया है। जो कोचिंग से पढ़ के गए थे उनके 50-50 मार्क्स लाने भी उनको बहुत मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि कोचिंग वालों ने नोट्स प्रिपेयर करवा दिए, अब वो बायस्ड हो चुके थे स्टूडेंट्स, वो सिर्फ उन नोट्स तक ही सीमित रह पाए, जो उन्होंने पढ़ाया नहीं वो उन्होंने पढ़ा नहीं, तो वो 50 मार्क्स भी स्कोर करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और जो कोचिंग नहीं गए थे उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी, ओके, तो वो स्टूडेंट 70 से लेकर के 100 मार्क्स तक स्कोर कर पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं बिना कोचिंग गए हुए भी बंदे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऐसा ही होगा मेंस के अंदर भी। ओके, आप मेरे पे अगर विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार चले जाइएगा, आप अपने फीडबैक ले लीजिएगा, और मेरे हिसाब से एक भी राजस्थान के अंदर ऐसी कोचिंग नहीं है जो कि आपको, एक भी नहीं है ऐसी कोई कोचिंग जो कि आपको मेंस की अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा सके, क्योंकि जितनी भी कोचिंग खुली हुई है वो है ES की, और जो ES की नहीं है वो तो वैसे भी गई गुजरी है, उसमें तो जाने का कोई वैसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो आपको टीचर क्या करेगा, एक टीचर ले आएगा हिंदी का, एक टीचर ले आएगा आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का, वो एक ही टीचर सब चीज़ें पढ़ा देगा, वो इकोनॉमी भी पढ़ा देगा आपको, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ का मैं आपके साथ में, जैसे कि मैंने भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कस किया था पूरा सिलेबस, तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट थे जो इंजीनियरिंग के आसपास भी नहीं भटकते हैं, तो वो भी आपको एक ही टीचर कवर अप करवाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ा के जाएगा। और मैक्सिमम वो अगर पढ़ा के भी गया तो एक महीने के अंदर अंदर, एक महीना तो मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, 15-20 डेज के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा देगा सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का, तो आप उसके अंदर क्या समझ पाएंगे और क्या वहाँ पर लिख के आएंगे। तो मेरा तो ये मानना है, पर्सनली बताऊँगा अगर आपको ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो ये सब लूट है और कुछ नहीं है, धंधे हैं सिंपली। आप मेरी अगर मानो तो आप अगर कहीं जयपुर में रहते हो तो डेफिनेटली आप जयपुर में, अगर आप आसपास किसी कोचिंग के रहते हो तो आप चले जाइएगा, 20 हज़ार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप कहीं बाहर रहते हो जयपुर से तो आप अगर कोचिंग के लिए आप स्पेशली जयपुर आ रहे हो तो एक तो आपका इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा, उससे आपकी तबीयत बिगड़ने का डर रहेगा, इससे आपके बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मेरी तो ये मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कोचिंग ना करें, सेल्फ स्टडी करें। हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी के लिए आप लोकल टीचर जो 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक को पढ़ाता हो, कोई लोकल टीचर उसको प्रीफर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कोई लोकल टीचर डेफिनेटली, कोई गवर्नमेंट स्कूल का कोई लोकल टीचर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो हिंदी की जो उनकी नॉलेज होती है डेफिनेटली, वो एक एग्ज़ाम पास करके गए तो उनके लिए जो नॉलेज है वो उनकी ज़्यादा होगी डेफिनेटली, है ना। या फिर आप कोई प्राइवेट टीचर को भी प्रीफर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो 10th क्लास से लेकर 12th क्लास को हिंदी पढ़ाता हो उस टीचर को आप प्रीफर करिए। उससे आप स्पेशली मतलब उसको एक सिलेबस दिखा दीजिएगा, उस सिलेबस के हिसाब से आप कवर अप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की, ओके, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो डेली का एक टॉपिक उठाइए, उसको आपके जो सोर्सेज हैं यानी 10th क्लास सोर्स है, 11th क्लास सोर्स है, 9th क्लास सोर्स है, वहाँ की SST की जो बुक्स होती है उनके अंदर आप देखिए एक बार। और अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं तो आप जाइए, क्या बोलते हैं,
नेट पे सर्च करिए, और डेफिनेटली आप यूट्यूब पे भी जाकर के सर्च मार सकते हैं उस टॉपिक से रिगार्डिंग, आपको काफ़ी सारी नॉलेज गेन अप होगी। वहाँ से आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, मेरा यही मानना है। और अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग रिगार्डिंग, तो आपने अगर प्री निकाला है तो आपको इतनी नॉलेज तो होगी कि आप मेंस की प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी कोचिंग, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन आप किसी भी कोचिंग की ईएस की एंड एसएससी जेई मेंस की दोनों की बुक ले आइए, मेंस की ईएस की मेंस की बुक ले आइए, एसएससी जेई मेंस की बुक ले आइए, इन दोनों की बुक्स को आप पूरा एक बार सॉल्व कर दीजिए जितना हो सकता है, आपसे बन सकता है, और एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चले जाइएगा। इससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैं नहीं सोचता मानता कि आपको कोचिंग के बगैर आप पढ़ाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप पढ़ाई कर सकते हो और जो कोचिंग कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और जिसको भी वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एक, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए, ताकि जो कोचिंग का भ्रम है स्टूडेंट्स का वो टूट सके। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस वीडियो से रिगार्डिंग आप मेरे को कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।